हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आए हैं, आप देख सकते हो कहाँ पे दिख रहा है, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग के पास है 390 एडवेंचर और हमारे पास है RR 310। दोनों बाइक अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया है। ये एडवेंचर के लिए जो अभी तक बहुत वेट किया जा रहा था, जिसका वो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। और RR 310 तो भाई इंडियन बाइक, रेसिंग बाइक और बहुत ही बढ़िया, मतलब रिफाइंड इंजन के साथ आपको मिल जाती है। तो हमारे साथ में है रोड फैल्कन, जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को तो कर ही लीजिए, अगर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलते हैं, इन दोनों गाड़ी का हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि क्या मतलब बेटर है, वो 390 है और ये 310 है। एरोडायनेमिक का कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो अभी हम लोग आपको परफॉर्मेंस टेस्ट में दिखाते हैं। तो चला जाए। लॉन्च गड़बड़ा गया, चलते रहना मैं पकड़ लूंगा तुमको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने कोई भी स्लिप ट्रिम नहीं की है। कोई भी स्लिप ट्रिम नहीं किया मैंने। भाई मतलब फोन काटो पहले। भाई मैं बताऊं कि ये गाड़ी जो है सिर्फ अपने एरोडायनेमिक्स के बदौलत इससे आगे निकल जा रही है। और शायद स्प्लिट स्ट्रीमिंग कुछ नहीं किया था, नहीं किया था तो बहुत काफी तेज तुम निकले थे आगे। क्या टॉप एंड में ये आगे निकल, टॉप एंड में निकल गई। तुम्हारे वाले को ब्लास्ट बहुत पड़ रहा था इसीलिए तुम आगे नहीं निकल पाए। हाँ, मैं जब स्लिप स्ट्रीमिंग किया मैं भी तब तुम आ गया तो मैं बराबर आ गया, लेकिन फिर से विंड ड्रैग की वजह से पीछे हो गया और ये आगे चले। तो आप लोग देख सकते हो कि RR 310 कैसे निकल गई इससे आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे राइडर स्विच और आपको दिखाएंगे कि राइडर स्विच और वेट तो वैसे सेम ही है, राइडर स्विच करके क्या होता है वो अभी आपको दिखाते हैं हम लोग। तो चलिए, RR 310 का आप लोग ने पावर देख ही लिया। चलो चलो चलो, क्लच और क्विक शिफ्टर का कमाल और विंड ड्रैग बहुत लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। गाड़ी में वॉबलिंग बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए RR 310 कैसे निकल गई। ये देखिए मुझे विंड ड्रैग पड़ना बंद हो गया तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। और ये देखिए विंड ड्रैग पड़ रहा है तो गाड़ी रुक जा रही है। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट, तो देख सकते हो आप लोग विंड ब्लास्ट का मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है।
वो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट पड़ रहा है इस गाड़ी में। एक्चुअली विंड ब्लास्ट इंसान को नहीं पड़ रहा है, गाड़ी को पड़ रहा है। कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता कि आरा थ्रीटन फाइनली किसी ड्यूक 390 सीसी के सेगमेंट की केटीएम की एडवेंचर मतलब कोई भी मतलब एक किसी गाड़ी को बीट कर सकती है, मतलब 390 सीसी के। हाँ पता है, मतलब मैं थोड़ा खुश हूँ, पर्सनली खुश हूँ, मेरा कोई गाड़ी को वो नहीं है, मतलब खराब है, बहुत अच्छी गाड़ी है ये अपने सेगमेंट की। बट वही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि 310 बीट की फाइनली ड्यूक एडवेंचर को ही सही पर की। तो दोस्तों अभी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अभी आज जैसा कि आपने देखा कि 390 एडवेंचर पीछे रह गई, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है इसको पीछे रहने की, वो है विंड का जो ब्लास्ट पड़ रहा है गाड़ी में। ठीक है, ये एक्चुअली एरोडायनेमिक नहीं बनी हुई है, सारा विंड जो है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जब ये आगे जा रही है तो विंड क्या है उसको धक्का दे रही है पीछे की तरफ। तो इसमें क्या है, ये पूरी फुल एरोडायनेमिक बाइक है, इसमें हो क्या रहा है, ये गाड़ी को पूरा एकदम विंड कटते हुए पीछे निकल जा रही है और इसमें वही चीज़ इसको रोक रही है। हालांकि इसका टॉप एंड बहुत अच्छा है, निकल जाएगी इससे आगे, लेकिन जब विंड ना हो। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे विंड भी बहुत है, आप लोग देख सकते हो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। ठीक है, और अपोजिट में ही है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन एडवेंचर को देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इसके इवन टायर भी जो हैं वो आपके रेसिंग वाले टायर नहीं है, ऑफ रोडर है, मतलब आधे ऑफ रोडर और आधे मतलब रोड के लिए, तो उससे भी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि उसका जो ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मतलब ये गाड़ी पीछे रही। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी बहुत बढ़िया है एडवेंचर, आप इसको टूर के लिए आप लेंगे ना तो आपको बस कोई रिग्रेट नहीं होगा, मज़ा आएगी आपको। तो ये ड्रैग रेस थी हमारी, ड्रैग रेस क्या कहूँ मैं, लॉन्ग रेस थी। आप लोग को कैसी लगी बताइए। ये थी RR 310 और ये है हमारी एडवेंचर 390। तो आप लोग को ये रेस कैसी लगी बताइए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए। देखिए हम लोग ऐसी रोड पे आते हैं ड्रैग करने के लिए ताकि कोई रिस्क ना हो। आप लोग रिस्क मत लीजिए अपनी लाइफ के साथ। आप लोग को अगर रेस देखनी है और कंपैरिजन देखना है तो आप हमको कमेंट करिए, हम लोग कोशिश करेंगे बाइक मिलते ही वो टेस्ट करने की। तो चलते हैं फिर, बाय बाय।